बेगूसराय मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। तकलीफ इस बात की है, पार्टी नेतृत्व को चाहिए था इस पर चर्चा और चिंता करना, लेकिन अंतिम समय तक मुझे कहा, दादा आप जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे। और जो निर्णय लिया वो बिना मुझे कॉन्फिडेंस में लिए निर्णय लिया। वो गिरिराज सिंह जो बिहार में बीजेपी के इकलौते भूमिहार उम्मीदवार हैं। गिरिराज सिंह बीजेपी के लिए हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की भूमिका अदा करते हैं। बेगूसराय और गिरिराज की इस कहानी में नया ट्विस्ट कन्हैया कुमार की एंट्री से आया है। लेफ्ट ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट दे दिया है। कन्हैया खुलकर कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ गिरिराज सिंह से है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश जीतेगा, इस बात की हुंकार हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भरना चाहते हैं। चर्चा होने लगी कि कहीं गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार से डरकर तो बेगूसराय से लड़ने के लिए मना नहीं कर रहे। कन्हैया ने ट्वीट किया है कि बताइए लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान टूर एंड ट्रेवल्स विभाग के वीजा मंत्री जी नवादा से बेगूसराय भेजे जाने पर हर्ट हो गए। उन्होंने आगे लिखा कि मंत्री जी ने तो ये कह दिया कि बेगूसराय को वड़क्कम। सबको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, आपने बिहार में काहे नहीं लड़ रहे हैं? क्या बात है, अपने को दूसरे को कह देते हैं कि जो विरोध करते हैं पाकिस्तान चला जाए, तो तुम हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान में लड़ो। झारखंड पुलिस ने वारंट जारी किया है गिरिराज सिंह के खिलाफ। भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है और बिहार पुलिस के ने एक वारंट जारी किया है। मोदी सरकार में लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह देते रहते हैं विवादित बयान। एक बार फिर भड़काऊ बयान देने की वजह से विवादों में घिर गए। गिरिराज सिंह ने अब की बार कहा कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए मुसलमान या तो समर्थन करें और अगर नहीं करेंगे तो हिंदुओं के मन में नफरत पैदा होगी, ऐसी नफरत जो ज्वाला बन जाएगी। तो संविधान की शपथ में यही हमारा आज का मुद्दा है। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी पीड़ा को सुना, एक छोटे से कार्यकर्ता की पीड़ा को सुन करके उसका समाधान ही नहीं किया बल्कि प्यार भी। आज तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा।